गया गया गया, 87। चलो चल 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 किसी का 12 लाख हो गया भाई, पार्टी दे देना जिसका 12 लाख हो गया वो। डी कुमार लिखा है, एवरीबडी एग्जिट। शॉर्ट वाले लोग स्टॉप लॉस 120, 80 एग्जिट या ऑलरेडी एग्जिटेड एग्जिट 80। या पीपल हु हैड सोल्ड कैन भाव इज एट 79। तो आप लोग को सिर्फ फट 80,000 का लॉस हो रहा था जब वो ऊपर में 120 गया था। अभी भी लॉस बुक नहीं किया तो लॉस ही लॉस हो गया। किसको लेना, वो घर बार बिक गया। चलो ओके गुड, 180। सर शॉर्ट किया 130 सीधा। डॉट जो है, जिसका यूजर नेम है डॉट, आपका सर नाम जान सकता हूँ क्या? आपने बहुत शॉर्ट किया, एकदम मंदी का आपका फेवरेट लगता है। किसी का नाम डॉट है वहां पे, हर एक सौदा शॉर्ट का ही होगा। 190, 200 सर गया ऊपर, उड़िया। 200 में शॉर्ट सर। 200 अभी आया नहीं है सर, आएगा तो शॉर्ट। ओके शंकर जी, ओके शंकर जी, उनका शॉर्टिंग फेवरेट है। गुड, 200 जाएगा तो सेल। नहीं है, 40 एक आएगा सौ भाई, 40 दस 40 आएगा आएगा भाई, भाई। 40 पे के यस 45 पे, 40। 45 दे दीजिए, 40 मतलब 40 टू 50 के बीच, ओके 50 50 40 to 50, 50 दे दीजिए। लाख का माल खरीदा क्या बोलते। आया झटका में आएगा। डी कुमार का शक्तिकांता दास की तरह कुछ सेट ही लगता है। आरबीआई से सीधा पैसा उठा रहे लग रहा है, बड़ा बड़ा क्वांटिटी पे आ रहे धीरे धीरे। ओके अगेन बैट 40 एंड सेलेक्ट 90। चलो क्या बात, 40 पे जो ले रहे हैं वो 40 इधर है, 40 यहाँ पे है बाय द वे। फिर से 100 हो गया। इस 77 तो भाई 869 नाउ सपोर्ट इज देयर आया, तो यू वांटेड 16 स्ट्रेट टू 50। फिफ्टी ओके सो नाउ 55, अरे ये आ गया। फाइव आ बाय गया ना सर। बाय 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 बाय, बाय। बाय ग्रीन बाय। कैंडल दिखा सबने धड़ाधड़ बाय, अभी रेड दिखता रहे तो आधे लोग गायब हो जाते हैं। बोलो नाउ, बाय। अरे कैंडल का जादू है। ओके गुड, 1 CR। डी कुमार, डी कुमार इज दी ऑपरेटर बाय द वे। 1 लास्ट टाइम सेल। ओके लेनोवो जिसका भी यूजर नेम है, एक बार और शॉर्ट का जुगाड़ कर ही लेना। ओके सो ये टाइम का पोल देखो, 90% बायर्स, अभी तो पक्का टूटेगा, और बाकी लोग नथिंग टू डू। ओके सेलर कोई नहीं है, खाली एक सेल इधर लिखा है। ओके चलो बाय बाय। 70, 90 अबव सेल। सेल हियर। ओके 66 पे एग्जिट हो गया। चलो अभिषेक जी गुड ट्रेड, 20-25 रुपया, नॉट नथिंग रॉन्ग विद इट सर। आपका 90 पे एग्जिट है ना। या ओके हेमंत जी ने बाई किया 35 का स्टॉप लॉस के साथ, 90 पे प्रॉफिट बुक। दो प्रॉफिट 90 120, 120। ओके मेरा बुक हो गया प्रॉफिट। 105, 90 ऊपर है सर, 90 हिट नहीं हुआ। जिसने किया उसके लिए अच्छा है। दिस इज इंडिया बुल्स रजिस्टर्ड टिल टूडे, ठीक है। तो आज जो क्लोजिंग था इंडिया बुल्स का वो 73.2 रुपीज पे था। अगर आप पूरा डेटा देखोगे ना यहाँ पे, सो इंडिया बुल्स, दिस इज द एंटायर हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुल्स। यू सी द डेटा, आप खाली इसको देखो उसने कैसे चला है वो। सॉरी सी, इसने ये जो रेंज है वो दिसंबर 2011 में उसने उधर सपोर्ट लिया है,
2 बार 2012 में सपोर्ट लिया है, 2013 में 14 में 2 बार सपोर्ट लिया है, सॉरी 2015 में सपोर्ट लिया है, 2016 में सपोर्ट लिया है, 2019 में सपोर्ट लिया है, 2020 में 2 बार लिया है, 2020 में 3 बार सपोर्ट लिया है, एंड देन अगेन द फोर्थ सपोर्ट इन 2023। तो कितने साल से उसने लेवल को टिका कर रखा है, फ्रॉम 2011 टू 2023, ऑलमोस्ट 12 ईयर्स। इसको बोलते हैं सपोर्ट। आपको आइडिया है व्हाट इज द सपोर्ट नाउ? जब भी टेक्निकल एनालिसिस हम करते हैं एंड व्हेन वी सी द डेटा, वी सी ओनली दीज काइंड ऑफ थिंग्स, कहाँ से स्टॉक बाय हो रहा है, कौन बाय कर रहा है, मतलब यू नो वेयर इज इट बाइंग फ्रॉम, हाउ इज इट गोइंग फ्रॉम दैट लेवल, विच इज लेवल विच इज होल्डिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो इंडिया बुल्स ने इतनी बार बाउंस किया है वहां से, इस कंसेप्ट को बोलते हैं सपोर्ट। ओके, सो अगली बार अगर फिर से 45 में रियल में आएगा तो कौन बाय करते हैं वो देखते हैं, बट हाँ अगर आइडियल इफ इट कम्स टू 45, यू शुड गो एंड टेक अ चांस टू बाय, ठीक है, बिकॉज सर इट भाई इज किए हैं देयर सर अभी? मेंटेन, अभी लिया 73 पे। ओके, तो अगर एक्चुअल में आपको सर भाई पता कब रहेगा करके सर, मैं 45 में, अच्छा लिखे लिखा है आपने, ओके 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 सुपर, 45 45 में था अच्छा ओके सुपर गुड, तो क्या भाई किया आपने 45 पे लिया है, ठीक है। सो दैट इज हाउ दिस सपोर्ट लेवल्स बेसिकली वर्क, इसको बोलते हैं सपोर्ट। तो ये कोई बनाता नहीं, इट्स जस्ट प्राइस, अगर मार्केट देखता है ना कि 40 पे कोई बाई कर रहा है तो ऑटोमेटिकली ऑडियंस आके उधर बाई करता है, दैट क्रिएट्स दिस जोन वेयर देयर आर मोर बायर्स, ठीक है, देन सेलर्स, तो इसलिए वो 45 से घड़ी 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 बाउंस कर रहा है। ये सेम अगर रेजिस्टेंस होता ना तो कुछ उल्टा ऐसा दिखता, एंड जस्ट रिवर्सिंग द चार्ट दिख रहा है आपको। तो अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे प्राइस उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है ऊपर के साइड में, तो रेजिस्टेंस कुछ ऐसा दिखता है, और अगर मैं इसको सेम ओरिजिनल इस पे करके लाऊं सपोर्ट कुछ ऐसा दिखता है। सो 45 इज द रेंज विच इट हैज होल्ड फॉर ऑलमोस्ट यू नो लास्ट 10 12 ईयर्स, और यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 बार 94 से गिरे, तो 94 इज द अपर रेंज जहां से वो गिरे, और नीचे में लोअर रेंज इज 45। दिस एंटायर थिंग इज कॉल्ड द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया। ओके, तो इसको, सो बेसिकली व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू वाज टू शो यू थ्रू द सिमुलेशन वाज कि आपको एक्चुअली में फील मिले कि रियल में मार्केट चलता कैसा है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जब भी हम डिसीजन लेते हैं तो कहाँ पे कितने बायर्स थे, कहाँ पे हम अपने सेलर्स कम हो गए ग्रुप में से, सो यू ऑलवेज लर्निंग द सेम थिंग बट यू आर ट्रेडिंग डिफरेंटली, ठीक है। तो इसका रीजन ये है कि बिकॉज सबकी अलग अलग माइंडसेट, साइकोलॉजी, रिस्क टेकिंग एपिटाइट, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, एवरीथिंग इज डिफरेंट। ओके, सो दिस दैट इज वाई मार्केट मार्केट है, और अगर इस टाइप के लोग नहीं रहेंगे, सब बायर बुलिश रहेंगे, तो मार्केट कभी बनेगा ही नहीं, ठीक है, वैसा जैसा आज है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड सपोर्ट इन शॉर्ट एंड रेजिस्टेंस। आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ दिस वॉज द लास्ट फेज ऑफ आवर टूडेज टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने वाले, इट इज गोइंग टू बी ऑन ट्रेंड लाइन्स, सो दैट दैट इज अ डिफरेंट वे टू सी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम सेम आई विल टेक यू थ्रू सिमुलेशन ओनली, बट विल बी सीइंग दैट फॉर्मेट विथ अ वेरी डिफरेंट वे, ठीक है। तो आपको आई एम श्योर काफी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज ट्रेंड लाइन में भी देखने मिलेगी। तो नेक्स्ट टॉपिक विल कीप, नाउ अपना क्लासेज एज यूजल चलेगा फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। लास्ट टाइम वो क्रिकेट मैच था तो थोड़ा सैटरडे को ही था, तो वी हैड टू चेंज द शेड्यूल, ठीक है। सो फ्राइडे विल मीट अगेन एंड सैटरडे, एंड देन अगेन नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे संडे सेम शेड्यूल, ठीक है। तो कोई क्वेरी है तो फील फ्री, एंड इसके बाद में विल ऑल्सो डू असाइनमेंट्स। तो आगे जाके मैं आपको जब भी ट्रेंड लाइन सिखा दूंगा, आई विल गिव यू सम चार्ट्स टू प्रैक्टिस, एंड दैट इज हाउ वी स्टार्ट अप्लाइंग इट, ठीक है, फ्रॉम दैट पॉइंट प्रैक्टिकली एप्लीकेशन चालू कर देंगे, ठीक है। सॉरी, किसी का एक इंस्टीट्यूशन शॉर्ट एंड लॉन्ग वाला सिनेरियो, सर इंस्टीट्यूशन शॉर्ट लॉन्ग वाला मैं समझे नहीं एग्जैक्टली, मतलब तो मतलब जो इंस्टीट्यूशन के बाय ऑर्डर आते हैं बल्क में और लॉन्ग ऑर्डर आते हैं, उसमें मार्केट का सेंटिमेंट चेंज होता है, उसके बारे में बोल रहे थे सर। तो हाँ, सो बेसिकली सर कैसा है कि आपको सी इंस्टीट्यूशन कैसे पता है व्हेन दे बाय, ओके। सी नॉर्मली जब भी मार्केट चलता है तो किसी को, अगर आप मार्केट का पूरा साइकिल देखोगे, मार्केट जब भी बेयर मार्केट पे आता है ना, इंस्टीट्यूशन एक ऐसे लोग हैं जिनका रिसर्च एंड एवरीथिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर 6 मंथ्स 8 मंथ्स अहेड देन अस, ठीक है। तो नॉर्मली उनका, मैंने अभी आपको बताया लास्ट में सीखा था मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, जिसके अंदर मैंने बताया था इंस्टीट्यूशन कैसे फंक्शन करते हैं। सो इंस्टीट्यूशन है ना, कोई भी न्यूज मार्केट के सरफेस पे आने वाला था ना, उसके पहले दे स्टार्ट बाइंग। प्राइस जब तक इन्फ्लेट होकर एक लेवल पे आ जाता है ना, तब तक हमें तो कुछ पता भी नहीं होता कि स्टॉक क्यों चल रहा है,
जो दिन वो न्यूज सरफेस पे आता है सीएनबीसी पे, वो दिन सब पब्लिक को पता चलता है। जब भी वो न्यूज कॉमन हो जाते हैं तभी इंस्टीट्यूशंस बेच के चले जाते हैं। सो दैट इज द रीजन वाई वी आर नॉट एबल टू बीट देम, बिकॉज दे आर फार अहेड देन अस इन टर्म्स ऑफ यू नो बाइंग एंड सेलिंग। तो इस कंडीशन में क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा सब्जेक्ट है। अभी हम लोग ने ये 11 साल का इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का डेटा देखा, इसके अंदर कितनी बार गवर्नमेंट चेंज हुआ रहेगा, इसके अंदर कितनी बार इस कंपनी का रिजल्ट आ रहेगा, इसके अंदर कितनी बार कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस से गया रहेगा, इसमें कितने हजारों चीज हुए रहेंगे, बजट आया रहेगा, कितना वॉर हुआ रहेगा, सर्जिकल स्ट्राइक आ गया, हजारों चीज आके गया, आरबीआई का पॉलिसी वॉलिसी जितना भी देख लो। लेकिन उसके बाद में भी चार्ट कैसे चल रहा था, जैसे मार्केट का नॉर्मल डिमांड सप्लाई होने वैसे ही वो चल रहा था। सो व्हेन यू आर ट्रेडिंग नो यू डोंट हैव टू सी ऑल दिस थिंग। जब भी 45 पे इंडिया बुल्स रहेगा ना तभी नेगेटिव न्यूज ही रहेगा, आप वो दिन का न्यूज़पेपर जो भी आपको देखना है देख लो, आपको हमेशा बेरिश न्यूज ही मिलेगा। और जब भी वो 200 रुपये था ना तभी आपको सबसे बुलिश न्यूज मिलेगा जहां पे उसको बेचना। सो वी आर ऑलरेडी टू लेट, सो इंस्टीट्यूशन दैट इज वाई दे आर अहेड अहेड देन अस, और कोई लॉजिक नहीं है उसका। ठीक है, सो फंडामेंटल चेक करने का पंकज जी जरूरत नहीं है। मैं फंडामेंटली आई डोंट नो विच, व्हेन आई बाय अ कंपनी और व्हेन आई बाय अ स्टॉक मुझे पता भी नहीं रहता है कि सर मैं कंपनी क्या निवेश है। से शुरू करना चाहता हूँ। सॉरी एक सेकंड, जस्ट पॉज द रिकॉर्डिंग, ताकि रिकॉर्डिंग बढ़ाना हो जाए।